हाय एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। सो आपको मैं पिज़्ज़ा बना के आज दिखाने वाली हूँ, वो भी पनीर भुर्जी के साथ। तो ये बहुत स्पेशल होगा ये पिज़्ज़ा। आपको अगर डोमिनो वाली फीलिंग आ रही है, इस लॉकडाउन में सबको मन होता है कि पिज़्ज़ा खाना है, बट हमें एक डर रहता है कि हम कैसे मतलब बाहर का चीज़ ना खाएँ। तो क्योंकि कोविड ने ऐसा सिचुएशन बना दिया है हम सबको कि हमें बाहर के खाने में भी डर लगता है, तो उस टाइम में कोई भी ऑप्शन ना सोचे तो आपको ये वाली चीज़ें ज़रूर घर पे बना लेनी चाहिए। और इवनिंग स्नैक्स में हो या किसी भी टाइम में आपका मन हुआ तो आप इसको बनाएं। और ये रेडीमेड बेस पे मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा, तो रेडीमेड बेस आपको कहीं भी मिल जाती है। तो आइए देखते हैं ये पिज़्ज़ा कैसे बनती है। ये देखिए, इस तरह से पिज़्ज़ा मैं बनाऊँगी अभी। तो आइए देखते हैं ये पिज़्ज़ा कैसे बनती है। बनाना है मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेसेस लिए हैं, और पनीर भुर्जी पिज़्ज़ा के लिए मेरे पास ही रेडीमेड के कुछ पिज़्ज़ा बेस पड़े थे, तो इसको मैंने ले लिया है। आप चाहे तो घर पे भी पिज़्ज़ा डो के साथ पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। नहीं है तो ये जनरल स्टोर में आपको इजीली मिल जाती है ये। आप इसको बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा 7 इंच के साइज़ पे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बट मिनी पिज़्ज़ा में इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है। तो कभी भी आपको इवनिंग स्नैक्स की तरह पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ या इवनिंग स्नैक्स में कुछ खाने का मन हुआ तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं घर पे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बना। अभी मैं इसमें भुर्जी बनाऊंगी, सिंपल भुर्जी जैसे बनती है, जैसे हम अनियंस चॉप्ड आपके एक थोड़ी सी जिंजर लिया है मैंने, साथ में शिमला मिर्च लिए है मैंने, उसको भी चॉप करके, रेड शिमला मिर्च है ये। तो आपके पास अगर सिर्फ ग्रीन है वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास रेड पड़ी थी तो मैंने रेड ले ली। आपके पास अगर येलो रेड सारी कलर्स के पड़ी हैं तो उसको भी आप चॉप करके ले सकते हैं। साथ में मैंने ये इसको भी मैंने ग्रीन शिमला मिर्च को भी उसको भी चॉप करके लिया है। यहाँ पर मैंने करीबन 150 ग्राम के करीब पनीर को भी थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है, और हाथ से इसको टुकड़ा करें, ज़्यादा इसको मैश ना करें, थोड़ा सा इसका स्वाद भी रहेगा। साथ में मैंने चॉप टमाटर भी लिए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं भुर्जी बनाना। भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया हुआ है, और साथ में 1 चम्मच मैंने बटर भी लिया हुआ है। मैंने ऑयल इसलिए लिया कि बटर हमारी ना जले, इस वजह से मैंने ऑयल बटर दोनों साथ लिया है। तो पहले आप ऑयल डालें उसके बाद बटर डालें, ताकि वो हमारे मसाले भी नहीं जलते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी जीरा, बहुत हल्की सी जीरा मैं डालूँगी, जीरा थोड़ा सा कटल हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे अनियन। मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज दिया है, आप इसका क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितने पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लें। मैंने यहाँ पे 6 बेसेस दिए हैं, मेरे पास 6 बेस हैं पिज़्ज़ा के, तो इसी अकॉर्डिंग मैं ये वाली ये सारे अमाउंट ले रही हूँ मैं। अब इसको थोड़े से अच्छे से भून लेते हैं। मेरे अनियन थोड़े से पिंक होने तक मैं भूनूंगी। ये मेरे थोड़े से पिंक हो चुके हैं अनियंस, अब मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ, इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको सॉफ्ट करना है बिल्कुल ये जो सब्ज़ी है, क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर जब मैं इसको स्टफ करूँगी ताकि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाएं। और इसी टाइम में मैं थोड़ा सा साइड करके हाफ टी स्पून के करीब ऑयल डाल के मैं ये जिंजर फ्राई करूँगी। ये मैंने पहले नहीं किया इसलिए कि जो सब्जियों की जो खुशबू होती है ना वो बिल्कुल ना चला जाए और आपको बिल्कुल मसालेदार बिल्कुल ना लगे वो चीज़ें, इसलिए मैंने इसको साइड में रख के फ्राई किया हुआ है। जिंजर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा उसे फ्राई करना है, जैसे उसका कच्चापन जाने तक, जिंजर के कच्चापन जाने तक मैं उसे फ्राई करना है। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर, और साथ में मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा यहीं पर मैं भून लूँगी, ये इसी में ही भून जाती है, इसमें ऑल ऑयल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसको सब्ज़ी के साथ ही मिलानी है। बट यहाँ पे इसका कच्चा फ्लेवर जो रॉ फ्लेवर है मसालों की वो जाने के बाद में आप इसको ऐड करके भूनें। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ,
साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट में। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने देती हूँ ताकि मेरा अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मैं इसमें लगभग एक चम्मच के करीब में पानी डालूंगी, बस एक चम्मच ही डाला है मैंने, और इसको लो फ्लेम करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम लीड हटा के एक बार चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको मैं फ्लेम को अभी हाई कर रही हूँ, हाई में ही मैं इसको भूनूंगी एक दो मिनट के लिए। बस इसी में ही मैं डाल देती हूँ गरम मसाला, और साथ में एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मैं डाल रही हूँ जिसमें इसका और भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं हो तब भी आप मार्केट से लाके आप इसको ले आइए। ये बस आपके पास बिल्कुल आप यूज़ भी नहीं करते तो 5 रुपये के पैकेट भी ये बाहर मिल जाती है। ये चिकन मसाला है, मैं इसमें थोड़ी सी चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इस भुर्जी में। आप रेगुलरली अगर पनीर भुर्जी बना भी रहे हैं तो इसमें चिकन मसाला थोड़ा सा डाल के ऐड करें तो इसमें जो एरोमा होती है ना तो वो बहुत अच्छी आती है। तो इसको हाई फ्लेम में मैं कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, थोड़ी देर पनीर के साथ में इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं करना है मुझे फ्राई, बस हाई फ्लेम में ही एक दो मिनट के लिए मुझे पकाना है। और साथ में मैं इसमें कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ में हाथ से क्रश करके मैं इसके ऊपर डालूंगी। लगभग ये डन है, अभी मैं इसको साइड कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पैन गर्म करने के लिए रख दिया है जिसमें मैं पिज्ज़ा को थोड़ा सा कवर करके फ्राई करूँगी। एंड इसमें अभी मैं पिज्ज़ा रेडी कर लेती हूँ। पिज्ज़ा रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी इसी में मैं थोड़ा सा पानी इसमें लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के। आप ब्रश हो तो ब्रश के साथ लगा सकते हैं या तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। पानी इसलिए लगा रही हूँ कि ये थोड़ा सा उसको प्रेस करूँगी ताकि ये जब भी मैं उसके ऊपर टपिंग डालूँगी ना तो ये ना फटे, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। क्योंकि ये ड्राई हो जाती है, आप कभी भी घर लाए ना ये ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रैक्टिस से होके ही आती है वो चीज़ें, तो उसमें भी ड्राई होते हैं। और ये जो मैंने लिया था ये रोस्टेड वाली मैंने लिया था, रोस्ट वाली मैंने लिया था पिज्ज़ा बेस। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने बटर नहीं लगाया क्योंकि बटर से मुझे सेकना है इसको, तो इसलिए मैंने बटर की जगह पानी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मिल्क वर्स भी कर लगा सकते हैं, हालांकि मेरे पास अभी मिल्क नहीं है तो, लेकिन मिल्क वर्स में ये बहुत अच्छा लगता है और भी ज़्यादा टेस्टी होता है इसमें। तो अब मैं इसे पैन में सेम प्रोसेस, पैन में मैं एक चम्मच ऑयल और साथ में थोड़ी सी बटर डाल लूँगी ताकि मेरे बटर ना जले, और फ्लेम को बिल्कुल भी मैं कम रख रही हूँ। अभी मैं इसमें लगाऊंगी केचप, थोड़ी सी केचप मैं इसमें लगा रही हूँ। इसको आपको कोई भी पिज्ज़ा सॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पनीर भुर्जी में ऑलरेडी मैंने सारे मसाले डाल रखे हैं, तो पिज़्ज़ा सॉस अगर डालेंगे तो आपको नॉर्मल पिज़्ज़ा वाली टेस्ट आ जाएगी, जो रेगुलर पिज़्ज़ा वाली टेस्ट आ जाएगी। तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप इस वाली टेस्ट को अगर लें तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छे से इसको कोट कर लूँ मैं। टॉपिंग्स दूंगी, मैं इसमें बिल्कुल भर भर के टॉपिंग दे रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, धीरे हल्के हाथ से प्रेस करना है इसे, एक स्पून के सहायता से आप प्रेस कर लें ताकि ये बिल्कुल बाहर ना निकले।
मेरे सारे स्टफिंग हो चुके हैं, मैं इसको थोड़ी सी प्रेस भी कर दिया है मैंने और फैला भी दिया है इसको। और अभी मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी, ये मोज़रेला चीज़ है, पिज़्ज़ा वाली चीज़ है। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, पेपर का थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना यूज करें, और नहीं तो पेपर भी डाल सकते हैं आप। इसमें मैं डालूंगी ये मिक्स्ड हर्ब्स, ये मैंने सिर्फ ओरिगानो नहीं लिया है, मिक्स्ड हर्ब्स आप सिर्फ ओरिगानो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं पैन को अभी मैंने पैन ऑलरेडी गरम करने रख दिया था, अब इसी को धीरे धीरे मैं प्लेस करूंगी इसमें। मेरे इस पैन में चार पिज्जा ही आ रहे हैं अभी, तो मैं चार सीखने के बाद और तो मैं सीख लूंगी, तो इसको मैं अभी लो फ्लेम में ही ढककर लगा देती हूँ मैं, ताकि मेरा जो चीज है वो मेल्ट अच्छे से हो जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरी सारी पिज्जा रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बना है, तो एक बार जरूर ट्राई करें ये पनीर भुर्जी पिज्जा, और कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एक न्यू फ्लेवर से आपको बना के मैंने दिखाया है, और ये बहुत टेस्टी भी होता है, स्नैक टाइम में खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और कभी भी डोमिनो वाली फीलिंग लानी है तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं होता। देन तो आप ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ को, एंड टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय।